जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्या न्यू वैकेंसी 1 नवंबर से सच में ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाले हैं? तो बहुत खुशखबरी वाली बात है, ठीक है। पर इसके पीछे की सच्चाई भी जान लो कि क्या ये जो न्यूज़पेपर में है, क्या ये सत्य है या झूठ है। क्योंकि ये देखो, यूट्यूब पे डाला गया है, ये 56,000 पुलिस में होगी 56,880 भर्तियाँ। अब ये 22 घंटे पहले डाला है, आप लोग देख सकते हो नीचे 9.1 के व्यूज़ हैं। 22 घंटा पहले डाला गया है। किस चैनल पर डाला गया आप लोग देख सकते हो, कई भी कई सारे चैनल्स पर डाला गया, मैंने देखा है। मैं किस चैनल की वो नहीं कह रहा, ठीक है। अब इसके पीछे की सच्चाई मैं बताता हूँ आपके लिए। देखो, ये तो वैकेंसी आने वाली, इसमें लिखा रखा है कि योगी योगी सरकार ने दशहरे का दिया दशहरे का तोहफा, 1 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया, जुलाई तक होगी संपन्न। अब नीचे आप लोग देख सकते हो कि 51,216 सिपाहियों के लिए 30 नवंबर तक आवेदन। अब हेडिंग पढ़ के रखिए, ठीक है ना। फायरमैन के 1924 पद, ऑनलाइन परीक्षा 10 जनवरी को। ये कहने मतलब आपने पूरा देख लिया होगा कि ये 22 घंटे पहले न्यूज़पेपर आया है, तो आप लोग सोच रहे होगे कि हाँ सर, ये तो न्यूज़पेपर है, तो इसका मतलब 1 नवंबर से स्टार्ट होने वाली प्रक्रिया। अब मैं इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। अब ये 22 घंटे पहले का है, अब ये दिखाता हूँ मैं। अब देखो, नई भर्ती पुलिस में होगी 56,880 भर्तियां, योगी सरकार ने दिया दशहरे का तोहफा, 1 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया, जुलाई तक होगी संपन्न। अब इसमें भी देख रखा है 51,216 सिपाहियों के लिए 30 नवंबर तक आवेदन, फायरमैन के 1924 पद, ऑनलाइन परीक्षा 10 जनवरी को। आप कहोगे सर, ये तो आपने दो सेम न्यूज़पेपर दिखा दिए, इसका क्या मतलब? अब आपको एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे है ये 3 साल पहले का न्यूज़पेपर, ये है 3 साल पहले का न्यूज़पेपर। अब ये है देखो 22 घंटे पहले का, तो कहने मतलब ये है, ये जो न्यूज़पेपर 22 घंटे पहले डाला गया, ये 3 साल पहले का ही है, जो किसी ने भ्रम के कारण या किसी अपनी गलती के कारण ये इसमें आपको बता दिया कि हाँ ये वैकेंसी आने वाली है, जबकि ये न्यूज़पेपर पूरी तरह से फेक है, क्योंकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। ये न्यूज़पेपर 3 साल पहले का है, जब हमारी 2019 की भर्ती आई थी, 49,568 जब का, ठीक है दोस्तों। तो कोई दिक्कत ना लो फिलहाल, आप लोग टेंशन ना लो, अभी वैकेंसी ना आई हो, हालांकि ये फेक है, लेकिन वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है। अब आपको ये न्यूज़पेपर एक और दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 36,000 पदों पर 7 अक्टूबर से करें आवेदन डीजीपी। अब इसमें सिंपल से मैं आपको बता दूं, 18 से 25 साल हो गई उम्र भर्ती के लिए, महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन, मतलब सबको दे रखा, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं सिंपल सी बात, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 36,000 पदों पर 7 अक्टूबर से करें आवेदन डीजीपी, तो इसमें एक गलती बहुत बड़ी है कि डीजीपी कभी आदेश नहीं दे सकते कि 36,000 भर्ती करवाइए। डीजीपी का इसमें कोई रोल नहीं होता है। डीजीपी आप सभी को पता है, पुलिस पुलिस के मुखिया होते हैं, मान सकते हैं सबसे बड़ा अधिकारी कोई होता है, तो डीजीपी साहब होते हैं, तो उनका भर्ती में कोई लेन देना नहीं होता, क्योंकि वो भर्ती बोर्ड तय करता है कि हमको कब भर्ती और कैसा क्या करवाना है, ठीक है ना। तो इसमें डीजीपी, यानी कि ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी गलत है, ये भी फेक न्यूज़पेपर है, और फेक न्यूज़पेपर ये भी है। तो फिलहाल अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं आया दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। ऑफिशियल जैसे ही आएगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा। वैसे मैं आपको इसीलिए मैं बताता भी रहता हूँ, वैकेंसी जल्द आएगी, और डेट कमेंट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। वैकेंसी हो सकता है कल ही आ जाए, आज ही आ जाए, या हो सकता है 1 महीने ना आए या 2 महीने ना आए, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है। फिलहाल जो भ्रम आपको अगर है तो थोड़ा बहुत उसको दूर कर लो। देखो, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा, पर हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, ऐसा होता है कभी हम नहीं देख पाते हैं और जल्दबाजी में हम लोग कोई चीज डाल देते हैं। जैसे कि अब मानो किसी ने ये डाल दिया, और अच्छा खासा चैनल है ये, 22 घंटा पहले डाला है, सर का बहुत जबरदस्त चैनल है, तो हो जाती है गलती कभी कभी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल किसी को ज्यादा वो मत करना, है ना। फिलहाल ये न्यूज़पेपर गलत है, इतना आप समझ जाओ, आप समझ ही गए होगे, ये 22 घंटे पहले का है और ये आपको 3 साल पहले का न्यूज़पेपर है, तो आप लोग समझ ही गए हो कि हाँ इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल टेंशन ना लो आप लोग, वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, बस तैयारी करते रहो, और तैयारी इतनी अच्छी कर लो इस बार कि कोई दोबारा शिकायत का मौका मिले ही ना आपको, है ना। कि लाइफ ये पहली सीढ़ी आप मान के चल सकते हो, अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपकी जॉब लगती रही है, तो इसके बाद आप लोअर पीसीएस, एसआई, बहुत सी वैकेंसी हैं जिसकी आप तैयारी कर सकते हो। फिलहाल ये पहली सीढ़ी है कांस्टेबल की, क्योंकि अधिकतर अगर कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी ऐसे समझ सकते हो कि कोई अंबानी से परिवार से ना होगा, है ना, सब नॉर्मल होंगे, अच्छे से बेचारे काट रहे होंगे, किसी तरह से गुजारा हो रहा होगा, या कुछ होंगे जो अच्छी भी जिंदगी जी रहे होंगे। तो आपको तैयारी इसीलिए कॉन्स्टेबल के लोग तैयारी करते हैं कि हमारी एक अच्छी जॉब लग जाए, आर्थिक स्थिति सुधर सके, और हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें। और आप लोग सोच ही सकते हो, कोई इतना अगर बड़ा आदमी अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल की नौकरी पहली बार देखेगा नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करना, इस न्यूज़पेपर के चक्करों में ना हो, भी वैकेंसी नहीं आई है, जैसी आएगी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल चलते हैं इस वीडियो में, इतना ही, जय हिंद। तो दोस्तों हाँ, ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपके पास सबसे पहले पहुंचे वीडियो, ठीक है दोस्तों। चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में, इतना ही, जय हिंद।